तो मेरे व्यूवर्स, जब हमें अट्रैक्टिव दिखना होता है तो हम लोग बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, बट भाई अच्छे कपड़े पहनने के चक्कर में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारी लुक को नेक्स्ट लेवल बनाने के लिए। क्या हैं वो चीज़ें? वो चीज़ें होती हैं एक्सेसरीज। भाई एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी ओवरऑल लुक को इंक्रीज करने में, बट भाई कुछ लोग बहुत गलती करते हैं एक्सेसरीज को यूज़ करने में, जिसमें वो स्टाइलिश दिखने के बजाय बहुत बड़े छपरी लगते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको टॉप 10 मेन एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगा जो आपके पास होनी चाहिए। और इससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो ऐसी और भी फैशनेबल वीडियो देखने के लिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है भाई कि इस मंथ के एंड तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ कम्प्लीट करवा दो, बहुत मेहरबानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई पहली एक्सेसरी है जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक वॉच। भाई हर लड़के के पास कलाई पर पहनने के लिए एक वॉच होनी चाहिए, क्योंकि वॉच एक ऐसी एक्सेसरी है जो अकेले ही आपकी लुक को काफ़ी हद तक अपग्रेड कर देती है। तो भाई कुछ लड़के अभी भी वो एक डिजिटल और बड़े डायल वाली वॉच पहनते हैं जो कि बहुत ही ख़राब लगती है। अगर आपको क्लासी और स्टाइलिश दिखना है तो आपको एनालॉग वॉचेस पहननी चाहिए जिनके डायल थोड़े छोटे हों। अगर आप लेदर बेल्ट वाली वॉच पहनना चाहते हो या मेटल स्ट्रैप वाली वॉच पहनना चाहते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वॉच पहनना पसंद है। मैं आपको टिप देता चलूं कि बेल्ट वाली वॉच को आप फॉर्मल और कैजुअल ड्रेस के साथ ट्राई करें और स्ट्रैप वाली वॉच को शलवार कमीज या कुर्ते के साथ। भाई आपको याद रखना है कि वॉच आपकी कलाई पर लूज बिल्कुल भी ना हो, वॉच आपकी कलाई पर फिट होनी चाहिए। भाई वॉच हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में पहननी चाहिए, क्योंकि अगर आप राइट ही हैं तो लेफ्ट हैंड में पहने और अगर लेफ्ट ही हैं तो राइट हैंड में पहने। दूसरी एक्सेसरी है नेकलेस। नेकलेस से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की मोटी मोटी चेन पहन लें, नहीं भाई आपको ऐसी नेकलेस बिल्कुल भी नहीं पहननी, क्योंकि ऐसी नेकलेस हमें स्टाइलिश बनाने के बजाय एक छपरी बना देती है। आपको कुछ इस तरह की पतली नेकलेस पहननी है, क्योंकि ऐसी नेकलेस हम पर ज़्यादा अच्छी लगती है कुछ इस तरह की मोटी मोटी नेकलेस के कंपैरिजन में। और भाई मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक या सिल्वर कलर की पतली नेकलेस लो, क्योंकि ये लड़कों के ऊपर काफ़ी अच्छी लगती है। और एक और बात भाई, आपके नेकलेस की लेंथ ना ज़्यादा छोटी हो और ना ज़्यादा बड़ी, बल्कि इसकी लेंथ आपके चेस्ट के अराउंड होनी चाहिए। इसके अलावा आप दो चेन को भी एक के ऊपर स्टैक करके पहन सकते हो, बट भाई आपको ध्यान रखना है कि दोनों चेन की लेंथ थोड़ी डिफरेंट हो। तीसरी एक्सेसरी है सनग्लासेस। भाई सनग्लासेस स्टाइलिश के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि एक बंदा जब सनग्लासेस लगाता है तो वो स्टाइलिंग के थ्रू काफ़ी हद तक स्टैंड आउट करता है। भाई आपको कुछ इस तरह के कलरफुल सनग्लासेस नहीं लेने, इनकी जगह आपको इस तरह के सनग्लासेस लेने हैं जो वर्सटाइल हों। भाई आपको सनग्लासेस अपने फेस शेप के हिसाब से लेने चाहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि मैं अपने फेस शेप के हिसाब से कौन से सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स लूँ, तो भाई आप इस फोटो को वीडियो पास करके देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके फेस पर कौन से सनग्लासेस या स्पेक्टिकल्स बेस्ट लगेंगे। चौथी एक्सेसरी है ब्रेसलेट। भाई ब्रेसलेट आपकी लुक को और भी बेहतर बनाने में कारगर होते हैं, बट भाई आपको मार्केट में कुछ इस तरह के ब्रेसलेट मिल जाएंगे जो कि मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। आपके लिए ये तीन तरह के ब्रेसलेट सबसे बेस्ट होंगे। पहला है स्टील ब्रेसलेट, जो कि कुछ ऐसे होने चाहिए। इसमें एक और ब्रेसलेट आता है जो मेटल चेन का बना होता है, दूसरा है लेदर ब्रेसलेट और तीसरा है बीडेड ब्रेसलेट। अगर आप ब्रेसलेट को मर्ज करना चाहते हैं तो आप लेदर या बीडेड ब्रेसलेट को वॉच के साथ कैरी कर सकते हैं। ब्रेसलेट में एक रोको वैरायटी उड़ आई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका परचेजिंग लिंक आपको दूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं इसका लिंक लेने के लिए। पांचवी एक्सेसरी है बैकपैक्स। भाई बैकपैक्स नॉर्मली सभी लोगों के पास होते हैं, जिसे हम कॉलेज और स्कूल वगैरह में लेकर जाते हैं, बट भाई बहुत से लड़के गलती ये करते हैं कि वो कुछ इस तरह के बैकपैक्स खरीद लेते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ऐसे बैकपैक में आप दिखने में बहुत ही चाइल्डिश लगते हो। अगर आपको क्लासी दिखना है तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप कुछ इस तरह के लेदर बैकपैक लो। ये जो आपको ब्राउन कलर का लेदर बैकपैक अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है। इसके अंदर आप अपना लैपटॉप, कैमरा एटसेट्रा कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप इसके साइड में वाटर बॉटल भी रख सकते हैं। इसके सामने वाली जो छोटी जिप बनी है, इसके अंदर चार्जर, डाटा केबल, पेन वगैरह एटसेट्रा कुछ भी रख सकते हैं। ये कैरी करने में काफ़ी कम्फर्टेबल होता है और ये लेदर का बना है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका परचेजिंग लिंक आपको दूँ तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको इसका परचेजिंग लिंक दे दूँगा।
छठी एसेसरी है बेल्ट। भाई कैजुअल कपड़ों में बेल्ट की ज्यादा जरूरत नहीं होती, लेकिन जब फॉर्मल आउटफिट आप करते हो इसमें बेल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई याद रखना, जब भी आप कोई फॉर्मल आउटफिट करोगे तो आपको अपनी बेल्ट शूज के साथ मैच करके पहननी है। वैसे तो बेल्ट ब्लैक और ब्राउन कलर में ही सबसे बेस्ट लगती है हम लड़कों के लिए। आपको थोड़ा ध्यान बस इस बात का रखना है कि बेल्ट कुछ इस तरह की ना हो। अगर मार्केट में आपको कुछ इस तरह की बेल्ट दिखते हैं तो इनसे 100 मीटर की दूरी बना के रखना। आपको कुछ इस तरह के सिंपल बेल्ट लेने हैं जो कि सबसे अच्छे रहते हैं आपके लिए। सातवीं एसेसरी है रिंग्स। भाई जब आप रिंग्स को अपने आउटफिट के साथ पहनते हो तो ये आपके स्टाइलिंग को एक लेवल ऊपर कर देती है। बट भाई रिंग्स का मतलब ये नहीं होता कि अपनी फिंगर्स पर बर्बर की अंगूठियां पहन लो। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप अपनी दोनों हाथ की फिंगर्स पर मैक्सिमम 2 या 3 रिंग्स पहनो, और भाई आपके लिए कुछ इस तरह की रिंग्स सबसे बेस्ट रहेगी। आठवीं एसेसरी है कैप। भाई जब आप कभी धूप में बाहर निकलते हो या जब आपके बाल अच्छे से सेट नहीं हो रहे होते तो भाई इस सिचुएशन में कैप हमारे बहुत काम आती है। कैप के बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं मार्केट में, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए बेसबॉल कैप लो जो कि सिंपल ब्लैक, ग्रे और व्हाइट कलर में हो, जिस पर कोई भी अलग कलर या प्रिंट ना हो। तो भाई नौवीं एसेसरी है वॉलेट। भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग वॉलेट रखते हो कि नहीं, बट भाई आपको अपने जरूरी कार्ड्स और आईडीज को कैरी करने के लिए आपके पास एक अच्छा सा वॉलेट होना चाहिए। बहुत से लोग करते ही हैं कि वो कुछ इस तरह के वॉलेट ले लेते हैं जिन पर अजीबोगरीब किस्म के प्रिंट बने होते हैं, जिससे आपकी लुक बहुत ही चीप लगती है। अगर आपको वॉलेट रखना पसंद नहीं तो आप कुछ इस तरह के मिनी वॉलेट्स ले सकते हो जिनमें आप अपने जरूरी कार्ड्स रख सकते हो। दसवीं एसेसरी है क्रॉस बॉडी बैग। थोड़े टाइम से डिफरेंट शेप एंड साइजेस के क्रॉस बॉडी बैग्स काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, प्लस ये दुनिया भर की वैरायटी में अवेलेबल है मार्केट में, जो कि डेफिनेटली आपके आउटफिट को ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं। लेकिन आप इन पर ज्यादा पैसे खर्च मत करना, क्योंकि इनमें आप ज्यादा चीजें कैरी नहीं कर सकते। बस वर्सटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ज्यादा सोबर्स कलर्स जो ज्यादा ब्राइट और आई कैचिंग ना हो उनको आप प्रेफर करना। ये है वो टॉप 10 एसेसरीज जो आपके पास होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा।